देखो प्रॉपर्टी ऑफ हम क्या पढ़ा रहे हो, आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना सर, तो केमिस्ट्री में वही बाबू अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं सर, कहाँ चल रहे हैं केमिस्ट्री में बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, मैटर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। मैटर्स को बाबू क्लासिफाई किए वो फिजिकल स्टेट के आधार पे और केमिकल आधार के आधार पे, ठीक है। तो फिजिकल आधार फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार मैटर पांच टाइप का बाबू वो पढ़ा चुके हैं। केमिकल वाला हम लोग चल रहे हैं, केमिकल बाबू आपको क्या पढ़ा है बाबू, प्योर मेटल है ना बाबू, मिक्सर बताया, प्योर में एलिमेंट, एलिमेंट में क्या है मेटल नॉन मेटल है ना बाबू, और ये मेटलाइड है फिर नोबल गैस है सर, तभी हम मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, ठीक है ना, ये आपको याद हो गया होगा। तो देखो सोनरस क्या होता है बाबू, सोनरस क्या होता है, मेटल्स बाबू जो भी होते हैं सोनरस नेचर के होते हैं। सोनरस नेचर कहने का मतलब क्या, वो सोनरस नेचर कहने का मतलब बाबू उसको पीटोगे ना शैतान, उसको पीटो। देखो बाबू ये अभी शादी ब्याह का बहुत चला हुआ है कि नहीं सपना, ठीक है ना, ये मेरी सपना कहाँ गई भोली, चले भोले सर आप शराबी वही, सर आप वही से इसलिए। लेके आए क्या? हाँ बाबू वहीं से सर लेके आए हम हैं लोग भी तो सोनोरस होते हैं, सपना। चलो सर हाँ हम लोग भी चलो तो देखो, सोनोरस होते हाँ आप लोग बहुत खतरनाक हैं। यस सोनरस सर, होते सर हैं ना, आप है ना आके आप, मार के चले जाते हैं। हाँ तो वही बहुत खतरनाक सोनरस होता है। तो ये मेटल है ठीक, मेटल को पिटोगे वो क्या होगा, इससे साउंड निकलेगा, साउंड निकलेगा ना, साउंड निकलेगा, साउंड निकलेगा, ठीक। तो इनमें क्या होता है सोनरस होता है, सोनरस को क्या होता है जो साउंड प्रोड्यूस होता है, सोनरस क्या कहेंगे जो साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूसिंग होगा, है ना, साउंड प्रोड्यूसिंग सर है ना बाबू, साउंड तो नॉन ठीक। मेटल को ही पीटने पर होगा। मतलब उस तरह से नहीं होता, उस आपका जो मेटल का इंटेंसिटी होता है साउंड का, नॉन मेटल का उस तरह से नहीं तो होगा, उस उधर तरह से नहीं होगा, एक्सेप्शन है एक्सेप्ट ठीक लिखिए। ना। जैसे बाबू क्या हो गया, कागज है इसमें नॉन मेटल है ना, तो होता है लेकिन उस तरह से नहीं होता है ना, उसका वो जो साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, थिन होता है, थिन होता है, इसमें भी होगा लेकिन उस तरह से नहीं होगा, उस तरह से नहीं है ना। तो इसीलिए नॉन मेटल को जनरली हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सोनरस, यही नॉन सोनरस कहेंगे, नॉन सोनरस कहेंगे ना, ठीक ठीक बाबू। नेक्स्ट बोला मेरा एलॉय फॉर्मेशन, मेटल से जनरली बाबू क्या होते हैं एलॉय का फॉर्मेशन, मैंने एलॉय कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे बाबू अभी आप लोग का बाबू है ना, ये क्या है एलॉय है, एलॉय क्या होता है वो दो या दो से ज्यादा मेटल बाबू, दो या दो से ज्यादा मेटल को मिला के जब एक तीसरा बाबू, तीसरा एक हम लोग क्या बनाएंगे मेटल बनाएंगे या तीसरा बाबू कंपाउंड बनाएंगे ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे एलॉय कहेंगे। जैसे बाबू मान लो क्या है, जैसे बाबू आपका गोल्ड है, तो गोल्ड मेरा क्या रहता है प्योर फॉर्म में रहता है ना, प्योर फॉर्म में रहता है, लेकिन उसको हार्ड करने के लिए क्या बनाते हो है ना, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस मिलाते हो है ना, वो कॉपर वगैरह मिला देते ताकि थोड़ा सा क्या हो उसका लचीलापन क्या हो जाए गायब हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे एलॉय कहेंगे ना। जैसे ये कांसा अभी बहुत बहुत चला हुआ है ना, अभी शादी में वो क्या चीज का थाली चाहिए, कांसा का थाली चाहिए, कांसा का थाली चाहिए, सब ये स्टील वाला सिस्टम खत्म हो गया, तो ये क्या है एलॉय है, ये क्या है एलॉय है, ये क्या है बाबू एलॉय है ना। तो मेटल को बाबू हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल को बाबू है ना मिक्स करके हम लोग एक नया बनाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे एलॉय कहेंगे, एलॉय कहेंगे। तो जैसे ब्रोंज हो गया है ना बाबू, ये ब्रोंज है, ये क्या बाबू ब्रोंज है, ब्रोंज है, ब्रोंज है ना, मंदिर में घंटी देखते हो, मंदिर में घंटी देखते हो भोले शंकर हो जाओ टन, वो क्या होता है ब्रास होता है, वो क्या होता है ब्रास होता है, ब्रास होता है वो पीतल होता है ना, वो पीतल होता है, ठीक। तो ये जो ब्रोंज ब्रास है वो क्या है बाबू एलॉय है, मतलब इसमें सर एक अगर इस देखो कॉपर का वायर लेते हो, कॉपर वायर तो वो प्योर होकर उसमें सिर्फ कॉपर ही रहेगा, मिक्सचर नहीं रहता है ना उसमें है ना, मिलावटी नहीं रहता है ना, लेकिन ये जो ब्रास है सर, ये जो ब्रोंज है बाबू, ये क्या सर दो या दो से ज्यादा मेटल का क्या कम्बिनेशन है ना, कम्बिनेशन है। तो मेटल बाबू क्या होता है, मेटल में एलॉय का प्रॉपर्टी पाया जाता है, नॉन मेटल में बाबू एलॉय का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाएगा है ना, नहीं पाया जाता है ना। प्लास्टिक को मिलाओ ना, प्लास्टिक को मिलाओ वो है ना, प्लास्टिक को मिलाओ है ना, किसके साथ मिलाओ नहीं ना बड़ा पाया जाएगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है सर, कार्बन, कार्बन मेरा सबसे ज्यादा खतरनाक है, आपको बाबू हायर क्लासेस में हो कार्बन के लिए बाबू हाइड्रोकार्बन वो करके चैप्टर भी होता है ना, कार्बन फैमिली, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन है ना। तो जो स्टील होता है वो स्टील होता है ना, उसमें आयरन भी होता है और उसके साथ क्या रहता है कार्बन भी मिलाता है ना, कार्बन भी मिलाता है ना, तो ये एक्सेप्शन हो गया। जितने भी बाबू नॉन मेटल है वो है ना, वो एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करेंगे ना, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, उसको मिलाओ एलॉय नहीं बनेगा, एलॉय नहीं बनेगा, नया कंपाउंड नहीं मिलेगा है ना, नहीं बनेगा, तो एलॉय फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन कार्बन बाबू क्या होता है स्टील वाला, देखो ना बर्तन बाबू घर में जो स्टील रहता है ना, बर्तन सदा स्टील का रहता है ना, तो उसमें कार्बन मिला हुआ रहता है, कार्बन रहता है जिसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं ना, कार्बन मिला हुआ रहता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल बाबू क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसे बाबू ये क्या है ना, ये क्या मेरा लाल, ये आपका बाबू स्टील वाला है ना, तो ये क्या है आपका अच्छा कंडक्टर ऑफ सर इलेक्ट्रिसिटी है ना, और ये पीछे जो बेकेलाइट है, ये जो बेकेलाइट है ये क्या है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा, और इसमें आपका क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा है ना। जितने भी मेटल्स होता है ना वो, अभी जैसे ये बाबू अभी ये थाली हो गया, तो इसमें भी बाबू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, इसमें ये भी फ्लो होगा है ना, भी ह्यूमन इसमें, बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा पर वो पुअर होगा, हाँ बाबू ठीक, बाबू इलेक्ट्रिसिटी नहीं पुअर फ्लो करता तो कंडक्टर। आपको, हाँ आपको करंट नहीं लगता, शांति सुन है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू तो मेटल्स क्या होते हैं बाबू, मेटल्स क्या होते हैं बाबू है ना, मेरा क्या होता है अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक्सेप्शन कौन होगा बिस्मत हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा ना।
नॉन मेटल बाबू इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करता है ना, जैसे ये बाबू ये हो गया है ना, ये क्या है सर, मार्कर है या प्लास्टिक्स हो गया, तो जो वायर का ऊपर कवर देखते हो प्लास्टिक्स का रहता है, तो उसको टच करते हो तो करंट नहीं ना मारता, नहीं मारता। लेकिन इसमें सबसे वो खतरनाक कौन है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या होता है सर, शांति से समझना, ग्रेफाइट क्या होता है, ये बोला मिस्टे एसानवी बाबू वीडियो ऑन कीजिए, ये क्या आपका ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट नहीं है, यहाँ पे जो नॉब दिख रहा है ना ये वाला ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट है, इधर से ये ग्रेफाइट है ना, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है इसका, ये लकड़ी है ना ऊपर से वो वुड रहता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगा क्योंकि सर नॉन मेटल है, लेकिन ये ग्रेफाइट है इसमें क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। देखो कैसे कैसे, देखो 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 दिखाते हैं, इसमें क्या होगा मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा है ना, इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा बोला, फ्लो होगा है ना, फ्लो होगा ठीक। ये सॉकेट जल गया बाबू, ठीक शैतान जला ना। अब देखो इसमें टेस्टर डालो, ये टेस्टर है शैतान, इसमें डालोगे बोला तो मेरा क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करो जी, इज्जत की बात है, ग्लो किया ना टेस्टर जी, नहीं दिख रहा बोला, दिख रहा सर। गलती से अगर तुम यहाँ पे टच कर गया दिया अभी तो नागिन नागिन वाला हो जाएगा है ना, यहाँ से अगर गलती से टच कर दिया तो नागिन डांस शुरू हो जाएगा, नागिन सर डांस ही नहीं होगा सर। और हमको कह रहा करे तो यहाँ से पढ़ाएगा कौन शैतान, हम करें हद करता जी बच्चा सर। तो ये क्या हो गया बाबू, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में फ्लो कर रहा है, सर आप करिएगा तो हम लोग को फिर छुट्टी मिल जाएगा। अब शांति समझो, इसमें हम क्या डाल रहे हैं सर, पेंसिल डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं पेंसिल डाल रहे हैं ठीक। तो यहाँ पे सर उसको हाथ से, हाँ यहाँ पे टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा सर, हाथ से नहीं, हाथ से, अच्छा यहाँ पे टच करेंगे तो करंट नहीं मारेगा, नहीं मारेगा, लेकिन यहाँ पे टच करोगे तो नागिन डांस शुरू हो जाएगा। देखो कैसे सर करिए ना सर, एक बार हाँ कर रहे हैं शैतान ठीक है, इसको टेस्टर को यहाँ पे टच करो, देखो ग्लो किया ना जी, है ना, तो ये अच्छा सब अच्छा कंडक्टर, देखो पूरा ग्लो कर रहा, देखो मन से ग्लो कर रहा है ना, 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 ग्लो कर रहा है, ना कर रहा है क्या जी, नहीं कर अंदर में क्या होता है जो ग्लो करता है, अरे बल्ब रहता है टेस्टर के अंदर, बल्ब रहता है, ग्लो कर रहा मतलब क्या सर, ये ग्रेफाइट है, ये लकड़ी में अंदर में क्या ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट बाबू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होगा तभी ना यहाँ सब तक आ रहा बाबू, तब ना यहाँ टच कर रहे तो क्या कर रहा है शैतान, ग्लो कर रहा है, टच कर रहे तो ग्लो क्यों कर रहा अंदर, अरे अंदर ये टेस्टर नहीं देखो, अंदर इसमें बल्ब रहता है शैतान, इसमें बल्ब रहता है, बल्ब रहता है, बल्ब रहता है, इसके कारण ग्लो करता है ना, इस कारण ग्लो करता है, सब बाद में पढ़ाएंगे है ना। तो ग्रेफाइट मेरा क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है ना शैतान, इसमें बल्ब रहता है, बल्ब रहता है, खोल के दिखा देंगे ठीक है ना, खोल के दिखा देंगे, दूसरा टेस्टर होगा तो एक और होगा है ना, उसको खोल कर दिखा देंगे है ना। देखो शैतान देखो ये टेस्टर ये टूटा हुआ है, ये टेस्टर नहीं है, एसी है ठीक है ना, तो ये चलो खोल के दिखा देंगे, था टेस्टर जी दिखा सर, हम भी ट्राई करें सर, नहीं आप लोग को ट्राई डाउट बाबू, ट्राई एट होम बाबू सर, मैंने की है डिस्क्लेमर सर, हाँ डिस्क्लेमर बाबू है ना, डिस्क्लेमर ठीक है ना। तो ये मेरा क्या था बाबू, ये मेरा सारा का सारा क्या था, मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, मेटल नॉन मेटल में क्या बोला, डिफरेंस है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है, नो डिफरेंस है सर, हम भी कर लिए। अच्छा ठीक है, ग्रेफाइट मेरा क्या बाबू, नॉन मेटल होता है ना, नॉन मेटल बाबू लेकिन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटोलाइट के बारे में पढ़ेंगे, मेटल हो गया नॉन मेटल हो गया, मेटोलाइट पढ़ेंगे, नोबल गैसेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, उधर सोल्यूशन वगैरह में एंट्री करेंगे है ना, सोल्यूशन वगैरह में एंट्री करेंगे, इतना जब खत्म हो जाएगा तब फिर बाबू हम लोग बेसिक केमिस्ट्री साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एटॉमिक जो मैंने 7-8 का है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हाई फाई संस्कारी वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपको हायर क्लासेस में यूज, हाँ बाबू जो आपको हायर क्लासेस में यूज होगा है ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर सब दिन यूज होगा, पीरियोडिक टेबल सब दिन यूज होगा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और गैस स्टेट एक चैप्टर है सर, सर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वो सब बता देंगे, वो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बाबू आपको बता देंगे है ना, मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग है ना, ये केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखे बताएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए बाबू आपको पहले क्या आना चाहिए, आपको वैलेंसी आना चाहिए, वैलेंसी आने के पहले आपको सारे को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए है ना, तो वैलेंसी आएगा, वैलेंसी से हम लोग क्या करेंगे, कितना एटम्स होगा कितना मॉलिक्यूल्स होगा, वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे ना, सारा चीज बताएं, वैलेंसी तो फाइंड कर सकते हैं सर, हां जी सर नहीं हो रहा है सर, नाटक मत करो ठीक है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे ठीक है ना, ध्यान मत दीजिए, नहीं हो रहा करंट उरंट मार दिया बाबू, तो फिर आपकी मम्मी कहेगी सर क्या पढ़ाते जैसे वो एक्सपेरिमेंट करता। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटोलाइट डिस्क्लेमर दे दिए थे, हाँ बाबू ये सब बाबू घर पे ट्राई नहीं करना बाबू है ना। नेक्स्ट बाबू मेटोलाइट, बाबू मेटोलाइट्स
मेटोलाइट्स क्या होता है सर, मेटोलाइट्स क्या होता है वो, है ना, जैसे वो एक मेटल होता है, एक कहाँ गया उत्कर्ष शैतान, क्या उत्कर्ष ये भाग कहाँ जाता है, प्रॉपर्टी खत्म हो गया, लिख रहा था कूट देंगे पक्का। मेटोलाइट क्या था बाबू, है ना बाबू, कुछ ऐसे सबस्टांस हमारे पास होते हैं बाबू, कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं, ऐसे सबस्टांस होते हैं जिसमें सर दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। जैसे बाबू हमारे सोसाइटी में है ना, एक मेल होता है, एक फीमेल है, एक और भाई बाबू जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बाबू। तो उसी तरह से बाबू मेटल में भी बाबू है ना, कुछ ऐसे सबस्टांस होगा जिसमें मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, नॉन मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटोलाइट कहेंगे। मेटोलाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करेगा सर, नहीं भी कंडक्ट करेगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अरे हम कुछ नहीं कहना चाहते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो धीरे धीरे कंडक्ट, मेटल की तरह अच्छा से कंडक्ट नहीं करेगा, और नॉन मेटल की तरह अच्छा से रोकेगा भी नहीं, मतलब क्या करेगा, ना के केस में भी हाँ के केस में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ना इधर का ना उधर का, पास होने देगा लेकिन धीरे धीरे पास होने, ना मेटल के जैसा बढ़िया से पास होने देगा, ना ही नॉन मेटल के जैसा रोकेगा बढ़िया से ना। तो वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहेंगे, मेटोलाइट कहेंगे। वैसे सबस्टांस को क्या कहेंगे, मेटोलाइट कहेंगे, मेटोलाइट का, है ना। तो आपके बुक में बाबू जनरली जो मेटोलाइट है बाबू, है ना, मेटोलाइट है बाबू, इसमें भी बाबू कंट्राडिक्शन है ना, ठीक है ना, कंट्राडिक्शन है, छह और सात के बीच में क्या है, कंट्राडिक्शन है ना, कंट्राडिक्शन, ठीक है ना, छह और सात के बीच में कंट्राडिक्शन कहाँ का फंसता सर, पोलोनियम पे है ना, पोलोनियम पे है ना बाबू। बहुत सारे बुक में बाबू आपको मेटोलाइट्स की संख्या छह लिखेगा, बहुत सारे मेटोलाइट्स की संख्या में सात लिखेगा, है ना। इसमें बाबू आके बाबू सारा का ठीक है, एक पोलोनियम है, इस पे बाबू आके बाबू आपका मामला ये होता है, स्टक होता है ना। इसमें जो मेटोलाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लगभग कितना होता है ना, 40% के आसपास होता है, 40% के आसपास होता है ना, इसका जो मेटोलाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कितना होता है, 40%। आप बहुत जगह देखोगे तो छह लेगा, बहुत जगह देखोगे तो सात लेगा, है ना, सात लेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नहीं माना जाता है सर, मेरा भी नहीं दिया, ठीक है ना, नहीं माना जाता है। अरे शैतान वही कह रहे हैं बाबू, कुछ कुछ बुक में पढ़ोगे बाबू, है ना, देखो अभी आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रहे हैं, पोलोनियम का कितना पीओ होता है ना, तो इसको इंक्लूड करके कितना होगा, सात होगा सर। क्यों सर, क्योंकि बाबू विकिपीडिया पे साफ साफ कोई कहीं कोई नहीं लिख ले, वहां लिख ले सर इसमें जो पोलोनियम है ना, पोलोनियम की जो बाबू मेटोलाइट वाला कैरेक्टरिस्टिक 40% के आसपास होता है, 40% के आसपास होता है, बाकी छह में कोई दिक्कत नहीं है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी है ना, बोरोन, सिलिकॉन, टेलोरियम, छह में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग बाबू छह लेके चलेंगे, है ना, छह लेके चलेंगे, ठीक। ये इनका पापा जी फोन का कर रहे, हेलो, ठीक है बाबू। तो हम लोग कितना लेंगे बाबू, छह लेंगे, स्टार में देखकर आपको क्या लिखना है, पोलोनियम लिखना है, आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाते हैं, पीरियोडिक टेबल में दिखाते हैं ना वो नीट हो। तो पहले मेटोलाइट को क्या करो, डिफाइन करो, मेटोलाइट क्या हुआ सर, पोलोनियम है। अरे वही बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बोले मेरा कोई कोई बुक में देगा, कोई कोई बुक में नहीं देगा, है ना, पुरनका पीरियोडिक टेबल सर, पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है बाबू, आपको हम दिखाते हैं एनसीईआरटी वाला क्लास 10 वाला दिखाते हैं, ठीक है ना, पहले इसको डिफाइन करते हैं, पोलोनियम रेडियोएक्टिव सर। अच्छा ठीक है, लिखो मेटोलाइट बाबू, जल्दी से लिखो मेटोलाइट्स बाबू। मेटोलाइट्स किसको कहेंगे सर, जिसमें बाबू मेटल का कैरेक्टर, नॉन मेटल का भी कैरेक्टर है ना बाबू, मेल और फीमेल दोनों का, ट्रांसजेंडर, वही हाल है। मेटल सर बाबू, मेटोलाइट सर बाबू, एलिमेंट, एलिमेंट्स बाबू, बीच सो नौ घर का ना घाट का, बीच सो बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल बाबू, स्टार्टिंग से ही बाबू कॉन्ट्राडिक्शन पे, कुछ कुछ सबस्टांस में बहुत ये प्रॉब्लम है ना, क्लियरिफाई नहीं लिख, लिख देता सीधे कि प्रॉब्लम ना मेटल है कि नॉन मेटल, अटका के छोड़ दिया। कटरे से भिज बाबू, सो बाबू प्रॉपर्टी जो बाबू बोथ सर, बहुत सारा में साथ दे देता, बोथ बाबू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। और एग्जांपल कौन कौन सा है सर, ठीक है बाबू, बोरोन है बाबू सर, तो फिर एग्जैक्ट क्या होता है, सेवन होता है, हम लोग लेके चलेंगे, हम लोग छह लेके चलेंगे बाबू। बोरोन है बाबू सर, एग्जैक्ट वही होता है, हाँ बाबू। सिलिकॉन है, एसआई होता है बाबू, जर्मेनियम है,
जर्मेनियम है, याद रखना जी होता है जर्मेनियम का। आर्सेनिक है, एस है, एंटीमनी है, एस बी होता है। 1, 2, 3, 4, 5 एक और कौन बच गया, टेलुरियम बच गया। टेलुरियम बच गया, टेलुरियम बच गया। ठीक, 6 हो गया भोला मेरा। हाँ सर, एक हम लोग दे लिख लेंगे बाबू, पोलोनियम। तो टोटल जनरली कितने बाबू, 6 हैं सर। यहाँ पर टंगस्टन भी दिया हुआ है, देने में बाबू दे देता, क्या करो। सो बाबू टोटल मेटलॉइड सर, बाबू सर टंगस्टन मेटलॉइड होते हैं सर। अरे लिख दिया बाबू, क्या करोगे। हाँ वैसे जोड़ोगे ना तो 8 दे देगा, ठीक है ना, वैसे जोड़ोगे तो 8 दे देगा। सो बाबू टोटल मेटलॉइड सर, बाबू मोनी की बात क्या लिखे हैं सर। टेलुरियम है, टेलुरियम का बाबू टी, टेलुरियम टी होता है। पोलोनियम है, पोलोनियम स्टार देगा, पोलोनियम देख लो। काउंट करोगे 7 हुआ ना जी। 1 नंबर सर, 2 नंबर सर, 3 नंबर सर, 4 नंबर सर, 5 नंबर सर, 6 नंबर सर, और ये स्टार देके 7 नंबर सर। सो टोटल मेटल ऐड बाबू 6 सर। टंगस्टन तो मेटल होता है ना। हाँ मेरे लाल। सो बाबू टोटल मेटल ऐड बाबू, मेटल ऐड सर बाबू 6 बट समटाइम्स बाबू है ना बाबू, ये मेरा क्या बाबू, इसके बारे में अभी शैतान डिसाइड हुआ ही नहीं। देखो वो पोलोनियम सर, तो उसको रखा कौन है सर अभी तक, उसको तो हटा लेना चाहिए था। अरे ऐसा नहीं बाबू, देखो पोलोनियम पूरी तरह से देखो, इसमें बाबू कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपका मेटलॉइड का पाया जाता है, बोले ना कि 40-30-40% के आसपास रहता है, तो इसीलिए बाबू कोई कोई इसको मान रहा है कि मेटलॉइड है, कोई कोई कह रहा नहीं है, है ना, इसीलिए बाबू अभी ये कॉन्ट्राडिक्शन पे। 50% के ऊपर नहीं है तो क्यों रखे अच्छा ठीक है, यही कर रही थी जखनी से, पढ़ नहीं रही थी या यही करने में लगल थी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, सारा लिख लिए सर, देखिए सर। अच्छा ठीक है बोले, हम देखे कि इधर देखे शैतान, ये भूमिका कहले रो रही बाबू। सर पेंसिल से सर, पेन पेंसिल के लीड से भी हो जाता है। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बोले, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। इसमें बाबू बहुत ये झंझटे झंझट के लिए मेटल और मेटलॉइड्स में लिखा भी नहीं है शैतान बुक वाला। चलिए बाबू नेक्स्ट बोला, इसका 2-3 और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, टाइम भी हो गया सर। दे लुक लाइक मेटल बाबू, लक्ष्मी भी मेरे आ गए, 1 मिनट बचा। अच्छा ठीक है, रहने दो, कल आप लोग बाबू 5:30 से आइएगा। पोलोनियम रेयर रहता है सर। हाँ सर, ऐसे 5:30 हो गया, पोलोनियम रेयर होता है सर, थोड़ा सा लिखवा। कल से बाबू आप लोग को 5:30 आना है बाबू, किसी को दिक्कत होगा हम पापा जी सर। खेलने कब जाएंगे सर, खेलना जरूरी है सर, ये सब का यूज नहीं बताएंगे सर। खेलना सर बहुत